डायरी का भूत जिन बोतल से बाहर। आखिर लाल डायरी में ऐसे क्या काले कारनामे हैं जिन्होंने कई मंजिल खोदकर उस डायरी को छुपा के लाना पड़ा। देखिए, भ्रष्टाचार निश्चित रूप से राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है और वो लाल डायरी जिन्होंने इस लाल डायरी के बारे में चर्चा की, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि राजेंद्र हुड्डा जी ने मेरी सरकार जी नीचे करो। और आखिर लाल डायरी में ऐसे क्या काले कारनामे हैं जिन्होंने कई मंजिल कूदकर उस डायरी को छुपा के लाना पड़ा। निश्चित रूप से इसका राज मुख्यमंत्री जी को जनता को बताना चाहिए। और ये सच है कि प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान आते हैं तो उनको तकलीफ किस बात की, कल सिलेंडर बांटे, आप ये तीसरा कार्यकाल है, आपने कभी उस गरीब माँ के बारे में सोचा नहीं। मोदी जी 9 साल से वो सिलेंडर दे रहे हैं, आप जो 500 रुपये की सब्सिडी दे रहे हो उसमें भी आधी मोदी सरकार दे रही है, ये भी तो जनता को बताना चाहिए। आप 5 साल में अंतिम दिनों में कोई एक सिलेंडर देख के जनता को गुमराह नहीं कर सकते, जनता आपका असली चेहरा जान चुकी है। दिल टूटता मैंने देखा है पर टांग टूटते पहली बार देखे किसी कारण से, ये निश्चित तौर पर चिंता है। राजस्थान जानना चाहता है कि क्या है डायरी से संबंध है इसका, कोई के भी कर गया। अब डायरी का संबंध जिनसे है वो जाने, पर डायरी का भूत जिन अब बोतल से बाहर है पर निर्भर करता है। सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर एक ही गाँव के 3 दर्जन लोगों का सिलेक्शन सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या पारदर्शिता है। बिना बजट के प्रावधान को आज डी शिव कुमार कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास योजना चलाने का पैसा नहीं बचा, क्योंकि हमने जो वादा किए थे उन वादों को पूरा करने में हमारा टोटल रेवेन्यू चला गया। मैं समझता हूँ कि बिना बजट के ये अपने खुद के प्रचार के लिए पहला मौका होगा। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था, भामाशाह घाट पर वसुंधरा जी की फोटो आने पर ऐतराज किया था, ये सरकार का पैसा का जाया किया जा रहा है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग है। अब अपने 15-16 बार फोटो युक्त अब इंटरनेट की सुविधाएं देकर, वाईफाई की सुविधाएं देकर, व्हाट्सएप के अंदर उन सारी चीज़ों को डलवा कर उस इन मैड जो टेलीफोन बांटने का काम सरकार करने जा रही है, 1,01,35,00,000 से अब 40,000 पर आई है। इससे कुछ होने वाला नहीं, सरकार की फ्लॉप योजना इससे चलने वाली है।